नागपुर शहर के एक वीडियो को आपने भी जरूर देखा होगा, जिसमें एक कार चालक महिला के साथ तेज मारपीट करता दिखाई दे रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या है ये मामला, इस हकीकत को जानिए इस रिपोर्ट में। ये मामला शुक्रवार करीब 1 से 1.5 बजे जरीपटका के रुगवानी हॉस्पिटल के सामने का है। जब महिला इस रास्ते से गुजर रही थी, तभी महिला को आरोपी शिवशंकर श्रीवास्तव की कार से कट लगता है, जिस पर महिला आरोपी की कार को रोककर उससे सवाल करती है और गाड़ी ठीक से चलाए जाने की बात करती है। इसी बीच आरोपी आग बबूला होकर गाड़ी से गुस्से में बाहर निकलता है और महिला के साथ हाथापाई करने पर उतर आता है, जिसे आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। जिसे देख आसपास के मौजूद लोग बीच बचाव करने लगते हैं, तो वही कुछ इस घटना को कैमरे में भी कैद कर लेते हैं। घटना के वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई शुरू की और महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे की जांच जारी है। घटना ऐसी है कि महिला अपनी दो पहिया वाहन से जा रही थी, तो रुगवानी हॉस्पिटल जरीपटका के सामने एक चार चक्का गाड़ी का उसको कट लगा, तो वो महिला ने उनको ड्राइवर को बोला कि क्यों देख के नहीं चला सकते, तो इस पर वो ड्राइवर ने गाड़ी रोका और महिला से मारपीट की, उनका विनय भंग किया, गाली गलौज की। नहीं, परिचित नहीं थे, बस जाते वक्त तत्कालीन कारण पे ही जो कुछ घटना हुई है वो तत्कालीन कारण पे हुई है। और आरोपी शिवशंकर श्रीनिवास नाम है, वाहन जब्त नहीं हुआ है, वाहन जब्त करने की आवश्यकता भी नहीं है। उनको नोटिस वगैरह दिया गया है और कार्रवाई चल रही है पुलिस स्टेशन द्वारा। क्या कलम लगा सर? इसमें सेक्शन लगा हुआ है 354, 294 और 323 IPC। NBCN न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी की रिपोर्ट।